जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा, संघ के संसदों को लेंगे 3 दिन में तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिन में सेना तैयार करने वाले बयान को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि भागवत का ये बयान देश और शहीदों का अपमान है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आरएसएस चीफ का ये बयान हर भारतीय का अपमान है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान देने वालों का असम्मान किया है। ये देश के झंडे का भी अपमान है, क्योंकि तिरंगे को सलाम करने वाले सैनिकों का अपमान किया गया है। भागवत को सेना और शहीदों का अपमान करने के लिए शर्म आनी चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ता देख आरएसएस ने सफाई देते हुए कहा है कि भागवत के बयान का गलत मतलब निकाला गया। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वयंसेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि देश को जरूरत पड़ेगी तो उनके स्वयंसेवक सेना से पहले ही 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।